घर में अगर कोई मर गए तो अल्लाह ने नमाज माफ कर दी, घर में अगर बच्चा पैदा हो गया तो बाप को नमाज माफ है। गौर करिए, लड़की अगर दुल्हन बनकर बैठी है तो अल्लाह उसको ये छूट देते हैं कि आज तेरा एक ऐसा दिन है जिस दिन तू दुल्हन बन रही है तो तेरे लिए नमाज माफ है। कहीं ऐसा मिलता है जिक्र हमको? फिर क्या सोचकर हम नमाजों को छोड़ देते हैं? अल्लाह अकबर। गौर करिए मेरी बहनों, क्या हो गया आज हमारी उम्मत की माओं को, क्या हो गया आज हम हमारे घरों को, आज हमारे घर बेनमाजियों की तरह नजर आते हैं। फजर के वक्त अगर मुसलमान मोहल्लों को देखा गया तो वो वीरान नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। फजर के वक्त हमारे पूरे घर के दरवाजे बंद होते हैं। फजर की नमाज के लिए खास तौर पर मेरी माओ और बहनों, मस्जिदों को आप गौर करिए, जुमा की नमाज के लिए जितनी मस्जिदें भर जाती है, फजर की नमाज में एक सब भी आपको नजर नहीं आती। क्या अल्लाह ने हम पर सिर्फ जुमा की जुमा नमाज फर्ज की है? आज हमारा मामला कैसा हो गया मालूम है मेरी बहनों? आज हम नमाज अदा कर रहे हैं 8 की, घाट की और 360 की। 8 की मतलब जुमा की जुमा को, घाट की यानी नमाज है जनाजा, 360 की यानी ईदेन की नमाज, ईद की नमाज। यही हो रहा आज। क्या अल्लाह ने 8 दिन में एक मरतबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया? अल्लाह अकबर मेरी बहनों, हमको यहां पर गौर करने वाली बात है, मुअज्जिन एक दिन में 5 बार हमको बुलाता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखो अल्लाह बड़ा है, तुम्हारा काम बड़ा नहीं है, तुम्हारी औलाद बड़ी नहीं है, तुम्हारा शौहर बड़ा नहीं है, तुम्हारे माँ बाप बड़े नहीं है, तुम्हारी दुनिया का इल्म बड़ा नहीं है, दुनिया की कोई चीज बड़ी नहीं है। अल्लाह अकबर। आओ वो रब की तरफ जो सबसे